नमस्कार दोस्तों, अगर आप शिखर धवन की खराब बल्लेबाजी को भारत की हार का कारण मानते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 31 रनों से गंवा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीतकर 5 मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आज टीम इंडिया को जीतने के लिए 84 रनों की जरूरत थी और इंग्लैंड को 5 विकेट की। अपने घरेलू पिच का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने इस मैच को 31 रनों से जीत लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की हार का सबसे बड़ा कारण कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 149 और 51 रनों की पारी खेलने वाले कप्तान विराट कोहली ने इंटरव्यू में काफी हैरान करने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू में कहा कि यह टेस्ट क्रिकेट का एक महान खेल था। इस तरह के एक रोमांचक टेस्ट मैच का हिस्सा बनने के लिए खुशी हुई। इसके बाद कोहली ने कहा कि जब हम वापस आए तो कुछ पल थे, लेकिन इंग्लैंड की तरह एक टीम निरंतर है। उन्होंने हमें अपने रनों के लिए बहुत मेहनत की है। कोहली ने कहा कि हमारा शॉट का चयन और भी बेहतर हो सकता था, खास तौर पर बल्लेबाज शिखर धवन का। शिखर धवन ने दोनों पारियों में जिस तरह का शॉट खेला वह किसी भी बल्लेबाज को शोभा नहीं देता। यदि शिखर धवन 20 रन और बना देते तो हमारी टीम जीत जाती, इसलिए धवन का इस हार में बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमें निश्चित रूप से बल्लेबाजी से और भी बेहतर तरीके से आवेदन करने की जरूरत है, लेकिन इंग्लैंड ने इस टेस्ट में शानदार तरीके से वापसी की और उन्होंने हमें हराया, इसलिए वो जीत के असली हकदार थे। इसके बाद कोहली ने कहा कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।